फ्रेंड्स, इम्प्लांट्स भी हो गए, ब्रिज भी बन गया, या कहें दांत भी बन गए, लेकिन उसको ठीक से कैसे फिट किया जाए ताकि वो जीवन भर आपका साथ दें। मैं डॉक्टर प्रवीण भाटिया, डायरेक्टर एंड सीनियर डेंटल सर्जन भाटिया डेंटोपल्स जनकपुरी न्यू दिल्ली से आपको आज ये बताऊंगा कि कैप किस तरह से फिट किया जाना चाहिए। फ्रेंड्स, ये ब्रिज बना हुआ है, आप इस चित्र में देख पा रहे हैं। इसके अंदर हमने सबसे पहले ल्यूटिंग सीमेंट पाउडर एंड लिक्विड दोनों को अच्छे से एक प्रॉपर रेशो के हिसाब से हमने मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद हमने एक प्रोबिंग से या स्पैचुला से आपके सारे जो होल्स हैं दांतों के, जो सॉकेट्स हैं, उसके अंदर इम्प्लांट प्लेसिंग पे हमने कर दिया। ध्यान रहे कहीं भी कोई एयर बबल ना रहे। अगर एयर बबल रहता है तो उसके अंदर थोड़ी सी कंसिस्टेंसी अगर अच्छी नहीं है और एयर बबल आ रहा है तो उसकी स्ट्रेंथ पे फर्क आ सकता है। जैसे एक टाइल के अंदर मान लीजिए एयर बबल आ गया, आप वो उस जगह से हॉलो हो जाती है, आप उसको थोड़ा प्रेशर देंगे तो वो इट कैन ब्रेक ऑल्सो। सो फिक्सिंग करने के समय ये ध्यान रखना पड़ता है कि गम्स और दांत के बीच में कोई गैप ना रह जाए ताकि वहां बाद में खाना नहीं फंसे। तो ये फिक्सिंग का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। सक्सेस बहुत अच्छे से मिलती है अगर आपने ठीक से उसको फिक्स भी किया है। आपने देखा हमने इसको अच्छे से प्रेस किया है जिससे गम्स और टीथ के बीच में गैप ना रहे। इसको 15 या 20 मिनट के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके बाद एक्स्ट्रा सीमेंट को हटाकर पॉलिश कर दी जाती है तो आपका दांत बिल्कुल नेचुरल की तरह लगता है और बिल्कुल अच्छे समय तक आपका वो साथ देगा। तो फ्रेंड्स, इसी तरह की आपकी भी कोई समस्या हो आप भी संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर्स नीचे व्हाट्सएप पे दिए गए हैं, आप कभी भी कॉल करें, या सबसे बेस्ट तरीका है अपने दांतों का एक चित्र पिक्चर मेरे को व्हाट्सएप करें। आई ट्राई टू आंसर एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।